नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कच्चे वाले जो कटहल होते हैं, थोड़े से छोटे कटहल, बड़े नहीं, क्योंकि उसमें फिर बड़े बड़े बीज हो जाते हैं और बीज की वजह से वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इस वजह से मैंने ये छोटे वाले कटहल लिए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो इस कटहल को मैंने काट करके धो करके अच्छे से रख लिया है और अब प्रेशर कुकर में इसे हम डाल देंगे। और अब इसमें सफिशियंट पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। इसे हमें एक स्टीम आने तक उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से कटहल का जो कलर है वो सब्जी में बहुत अच्छे से आएगा। और थोड़ा सा नमक अभी डाल देंगे ताकि अंदर तक, कटहल में अंदर तक नमक चला जाए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो मिक्सी में फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो इसे अब साइड रखते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसे भी डाल देंगे इसमें। और 8 से 10 कली लहसुन की, ये भी डाल के और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। सूखे मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे जिससे सब्जी का कलर अच्छा आए। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले लिया है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन सब्जी में कलर इससे अच्छा आता है। खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच भर के जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, और 2 ही मैंने लौंग लिए हैं, और 1 टुकड़ा दालचीनी का। एक स्टीम आने के बाद मैंने कटहल को निकाल लिया है। ये देखिए, कटहल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं। और नेचुरली जब उसका स्टीम निकल जाए तभी हमें निकालना है। हमें स्टीम ज़बरदस्ती निकाल करके फिर नहीं खोलना है कुकर को। और आप देख सकते हैं, हल्दी डालने की वजह से कटहल का कलर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कटहल की लजीज सब्जी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और उसमें लगभग 4 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। तो तेल अब लगभग गर्म हो चुका है, तो इसमें हमने जो ये खड़े मसाले लिए थे वो सारे डाल देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो चुका है, तो अब इसमें हम जो ये चॉप्ड ऑनियन था ये डाल देंगे। और इसे हमें डीप गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखिए इसका कलर। तो अभी हम इसमें ये टमाटर अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था वो इसमें डाल करके मिला देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले कटहल को बॉयल करते समय भी नमक डाला था। टमाटर भी पक चुका है क्योंकि इस तेल बाहर आने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें जो ये सूखे मसाले थे वो सारे सूखे मसाले इसमें डाल देंगे और इन्हें 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज टमाटर के साथ सूखे मसाले भी भुन गए हैं, तो इसमें अब ये बॉइल्ड कटहल मिला देंगे और मसालों को इस पर अच्छे से कोट कर देंगे। सब्जी बिल्कुल ड्राई हो रही है, तो इसमें मैं लगभग 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसे ढक कर के 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया है, सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पे थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ में इस तरह से क्रश करके और इसके ऊपर डाल देंगे। इसे मिला देना है अच्छे तरीके से। और अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को ढक करके 2 मिनट तक रहने देंगे। फिर तैयार है आपकी कटहल की ये स्वादिष्ट सब्जी।
तैयार है कटहल की ये स्वादिष्ट सब्जी, और आप भी इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय।